एक कैसे कैप लगा था, अब कैप नहीं लगा। आप ये भी कहोगे सर ये कार्य सेंटर है, इसकी इमेज बना दो, इमेज बनेगी या मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, ये कार्य सेंटर है ये है, अब तुम क्या बोलते हो रिएक्शन तो यहाँ करो और इमेज भी बना दो, ऐसे कैसे हो जाएगा, रिएक्शन तो यहाँ होगी ना उसकी, तो आप बोलो छः कैसा है, शेर इसलिए आया है कि आप जब इस कार्बन पे अटैक करोगे तो एक और प्रोडक्ट आएगा, एक और कैसे आएगा, तुम यहाँ रिएक्शन करो, यहाँ रिएक्शन करके बनेगा एच, यहाँ बनेगा CH2 डॉट, यहाँ बनेगा EC, जब CL डॉट इस पे अटैक करेगा तो क्या ये कार्बन कार्बन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इस पे अटैक करने से कितने प्रोडक्ट आएंगे, बस अपन जिस कार्बन पे अटैक करते हैं अगर वो कार्बन बनता है तब अपने दो आंसर आएगा, अगर एक ही आएगा। अब बताओ इनमें और उसमें रिलेशन क्या है, इनेंशियमर है ये CH3 इधर गया, CH2 से इधर गया, इनेंशियमर नहीं बन गया। अब तुम ध्यान से देखो दो प्रोडक्ट इससे आ रहे हैं कि ये जो सेंट्रल एटम ले लो इसको, इसकी एक वैलेंसी है एक वैलेंसी, जब तुम यहाँ मोनोक्लोरिनेशन करते हो तो यहाँ एक CH2Cl बन के एक कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन जब तुम यहाँ भी मोनोक्लोरिनेशन करते हो एक और कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, और इन दोनों में रिलेशन क्या आ जाता है, इनेंशियमर जी, यहाँ क्लोरो बनेगा या नहीं बनेगा, फिर यहाँ क्लोरो बनेगा या नहीं बनेगा, एक पेयर ही तो चेंज हो रहा है, तो रिलेशन क्या आ गया आपका, इनेंशियमर। क्या मुझे ये बोलना चाहिए कि इस कार्बन पे अटैक किया ये बन गया इसकी इमेज दे लो, ऐसा नहीं, इस पर अटैक करने से प्रोडक्ट आपका एक ही आएगा, इसको बनाओ, मैंने सिर्फ एक लाइन बोली है, जिस कार्बन पे अटैक करते हैं अगर वो कार्बन कार्बन बनता है तो ही आप दो प्रोडक्ट लोगे, अदरवाइज आप कहीं से अटैक करो आपको एक आएगा, पहले बनाओ उसको।